सिंगरौली जिले में कोल खनन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एनसीएल मानक के विपरीत लगातार हैवी ब्लास्टिंग कर रहा है। एक बार से अधिक कोयला तोड़ने के लिए ऐसा किया जा रहा है। कंपनियों का यह कारनामा आसपास के गांव के रहवासियों के लिए अफरा तफरी भरा माहौल पैदा कर देता है और आफत भरा साबित हो रहा है। इस पर कांग्रेस ने कहा है कि अगर कोल खनन के लिए नियमों के खिलाफ काम बंद नहीं किया गया तो कांग्रेस को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। ज्यादा कोयला निकालने के लिए कंपनियां निर्धारित मानक से अधिक विस्फोटक रसायन का प्रयोग कर रही हैं, लेकिन कम समय में अधिक कोल उत्पादन के लिए कंपनियों का यह कारनामा आसपास के रहवासियों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। अमलोरी मुहेर मोरवा के मढोली में लगातार एक के बाद एक ब्लास्ट किए जा रहे हैं। यहाँ ब्लास्टिंग इतनी भयानक होती है कि पूरा का पूरा मकान थर्रा जाता है। मकानों में पहले से पड़ी दरारें और बड़ी हो गई हैं। ग्रामीणों को ब्लास्टिंग से मकान ढहने का डर सता रहा है। इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों से भी कई बार की गई है, लेकिन नतीजा सिफर रहा है। ऐसा नहीं है कि एनसीएल प्रबंधन को यह मालूम नहीं है, लेकिन इसके तरफ जिम्मेदारों का ध्यान नहीं जा पा रहा है। सिंगरौली कांग्रेस के युवा नेता प्रवीण सिंह ने कहा है कि विस्फोट से किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। विस्फोट एक निर्धारित समय और निर्धारित मानक में होना चाहिए। यदि एनसीएल प्रबंधन नहीं सुधरा तो जल्द ही सड़कों पर उतरकर इसका विरोध किया जाएगा, जिसकी समस्त जवाबदेही जिला प्रशासन की होगी। एनसीएल प्रबंधन द्वारा लगातार हैवी ब्लास्टिंग करके सिंगरौली वासियों के आशियानों को, मकानों को हिलाने का कार्य किया जा रहा है। निश्चित तौर पर यह निंदनीय है। ऐसा लगता है कि विस्थापन के पूर्व ही बारूद के दम पर एनसीएल सिंगरौली वासियों को विस्थापित कर देगी। निश्चित तौर पर जो निर्धारित मापदंड होना चाहिए ब्लास्टिंग का, उसके अनुसार ब्लास्टिंग नहीं की जा रही है, जिससे हैवी ब्लास्टिंग हो रही है और लोगों के घर हिल जा रहे हैं, सामान टूट रहे हैं, घरों के छतों में दरार आ जा रही है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।